गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे। इसके बारे में काफ़ी सारे बच्चे चिंतित हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हायर एजुकेशन की, उसमें ये फिक्स कर दिया गया है कि जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 56, उनके एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही एडमिशन हो। और एडमिशन के जो पैटर्न है वो भी काफ़ी चेंज है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिकली जो वीडियो है हमारी, जो आज आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये है CUCET क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आने वाले टाइम में अपने चैनल के अंदर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि CUCET की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, क्या गाइडलाइंस हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैं सीधा लिए चल रहा हूं, आपको आपका आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, CUCET। अब CUCET, जैसे कि मैंने बताया कि हायर एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये बात तय कर दी गई कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स हैं वो वन कॉमन एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू हो, और जो भी जिस एरिया में बच्चा रहता है उसका उस एंट्रेंस के थ्रू उस टाउन के अंदर उसका एडमिशन हो जाए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इन्हीं में से एक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं पिछले साल जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स हुई, तो क्या रहा क्राइटेरिया, कितनी हाई परसेंटेज कट ऑफ गई। कुछ कॉलेजेस की तो 100 पे कट ऑफ गई, और आज भी मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, 96, 97, 98 ये कट ऑफ्स गई थी। तो अब जो बच्चे अपनी इतनी मेहनत करते हैं 95%, तो दे डिजर्व टू गेट ए गुड कॉलेज इन देयर टाउन, बट उनको नहीं हो पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हायर एजुकेशन्स ने 7-member कमेटी बनाई, और उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट दी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए, जिनके आधार पर 50 जो कोर्सेज हैं हमारे, 50 courses लगभग है इसमें, उनके आधार पर एडमिशन्स जो है पॉपुलर कॉलेज में हो सके। 2021 में ये रहेगा, और इसको कंडक्ट कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को काम सौंपा गया, जो आप जानते ही हैं जेईई मेंस के पेपर, हमारे और भी अन्य काफ़ी नीट के पेपर्स, इस तरीके के पेपर कंडक्ट करती है। इसमें रहेगा क्या, ये हाई एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी चेक होगी, वर्बल एबिलिटी चेक होगी, लॉजिकल रीजनिंग चेक होगा, और मे बी पॉसिबल, अभी बातचीत विचार विमर्श चल रहा है कि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत पोर्शन जनरल नॉलेज का भी डाल दिया जाए। अभी मैं पक्के उस पर नहीं कहूँगा, कमेटी बैठी है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, अभी निर्णय आएगा, जैसे कि आएगा अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अंदर बेनिफिट क्या है, अब आप देख पाएंगे कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक बच्चे के 95 अबव नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा जिस सब्जेक्ट पे वो एडमिशन लेना चाहता है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में वो इस तरीके से प्रक्रिया में अब भी चला जा सकता है और उसका एडमिशन हो सकता है, और उसको अपने चॉइस का कॉलेज भी मिल पाए। अब हम बात करेंगे कि फिर प्लस टू के मार्क्स का क्या फ़ायदा रह जाएगा। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन मार्क है कि अब अगर किसी बच्चे ने 100 out of 100 ही परसेंटेज ले ली है, तो अब वो क्या उसका एडमिशन सीधा हो जाएगा, तो इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। तो इसीलिए प्लस टू के मार्क्स का सिर्फ 50% क्राइटेरिया लिया जाएगा, और बाकी जो है एंट्रेंस टेस्ट का बेस बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 60-40 का रेशियो लिया जाता है, अब यहाँ पर कितना रेशियो तय होता है वो एक बार कमेटी से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं इसके बारे में आपको बता पाऊंगा। और इसका बेनिफिट ये रहेगा प्यारे बच्चों, जैसे कि आप एडमिशन्स के प्रोसेस के दौरान जब आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर लेते हो, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा प्यारे बच्चों कि आप एंट्रेंस की तैयारी करें। और जैसा मैंने बताया, ये टॉपिक्स है, मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, हाई एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसके बेसिस पे एडमिशन होना है आपका, और इसकी लगातार तैयारी रखें आप, अनाउंस होते ही आपको पता लग जाएगा। कल भी मैंने वीडियो बताई है कि 15 जुलाई के आसपास हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे,
क्या प्रक्रिया बनाती है वो, इसका लाभ आपको ये होगा, जैसे कि आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड दिल्ली, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। तो इनमें पढ़ने वाले बच्चों, जो चाहते हैं कि बच्चे इनमें एडमिशन लें, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये थी एक विस्तृत जानकारी आपको CUCET क्या है। तो कैसी लगी वीडियो आपने बताना है, और मैं अपने आगे एपिसोड्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर मैं और भी आपको वीडियोस बनाकर शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या इसमें आने वाला है। तो ये छोटी सी वीडियो आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश करी। तो कैसी लगी वीडियो आपने बतानी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com, और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो